खबर है कि वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुख्तलिफ अमूर भी ज़ेर गौर आए हैं। अपडेट्स लेंगे बिलाल चौधरी से। बिलाल, आज के अहम इजलास की रुदात सुनाएं। जी बिल्कुल, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुख्तलिफ अमूर पर भी जायजा लिया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जाहिद अख्तर जमान और एडिशनल सेक्रेटरी भी इनके हमला थे। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने DHU हस्पताल मुल्तान के ज़ेर तकमील मनसूबे के लिए मजीद 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस मौके पर वज़ीर सेहत का कहना था कि DHU हॉस्पिटल मुल्तान के मनसूबे का अफ्तराह जल्द हो जाएगा। DHU हस्पताल में तमाम जदीद जो सहूलियात है वो फ्राहम की जाएगी। हतमी काम और मशीनरी की तनसीख का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर उनका मजीद ये कहना था कि सूबे के दीगर नामुकम्मल और जारी मनसूबे भी मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर सेहत की जिली और तहसील अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर करने की भी हिदायत की गई है। इस मौके पर सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जाहिद अफजल जमान की इजलास को मुख्य मनसूबों पर ब्रीफ किया गया और उनकी जानिब से भी जो दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल को बताया गया कि इस वक्त DHQ और THQ के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे की इमरजेंसी के जो हालात है वो भी बेहतर किए गए हैं। जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम था मेडिसिन का वो भी जो है वो इनको मुहैया की जा रही है ताकि मरीजों को बेहतरीन जो तिबी सहूलियतों को फ्राहम की जाए। और वज़ीर आज़म इमरान खान का जो मिशन है, वज़ीर सेहत की जो हिदायत है, उस पर जो है अमल पैरा हो सके। जी ठीक है, नामुकम्मल मनसूबे मुकम्मल होंगे। शुक्रिया बिलाल चौधरी।